हेलो फ्रेंड्स, वेलकम बैक टू माय चैनल। आज मैं आप लोगों के लिए ले आई हूँ अरबी पत्ते के डंठल की साग, जो बहुत टेस्टी होती है। ये मैं चना के साथ बनाऊंगी। ये है अरबी पत्ते की जो डंठल, वो डंठल की साग जो सफ़ेद रंग के अरबी पत्ते होते हैं उसके डंठल। तो चलिए मैं काट कर दिखाती हूँ किस तरह से काटना चाहिए। ये जो हरा हरा जो छिलका है उसको निकाल लेना है अच्छी तरह से। पहले मैं धो लिया डंठल को और फिर अभी मैं काट रही हूँ, और काट कर भी मैं एक बार फिर से धोऊंगी। जो ये हरा वाला पोर्शन है इसको निकालना है इस तरह से, और इस तरह छोटा छोटा टुकड़ा में काट लेना है पहले। बहुत टेस्टी बनती है और सिंपल सा ही रेसिपी है। इस तरह से काट लेना है, और अब मैं एक कढ़ाई में थोड़े से पानी के साथ इसको बॉईल करने के लिए दूंगी। बाद ये बिल्कुल गल के थोड़ा सा बन जाएगा। थोड़ा सा मैं नमक दे रही हूँ ऊपर, और अभी मैं ढक दूंगी अच्छी तरह से, तो इसका जो पानी है वो निकल कर अच्छी तरह से गल जाएगा। देखिए 10 मिनट के बाद आप ढक्कन खोल के देखिएगा तो बिल्कुल इस तरह से हो जाएगा, बिल्कुल गल गया है। देखिए और नमक जरूर दीजिएगा तभी अच्छी तरह से गलेगा। अब मैं थोड़ा सा हल्दी दे रही हूँ और अच्छी तरह से पानी को सूखने मस्टर्ड ऑयल लूंगी, और मस्टर्ड ऑयल पे जीरा और तेजपत्ता फोड़न दे, और जो मैंने बॉईल कर किया हुआ साग है वो डाल दूंगी। और अच्छी तरह से मिक्स करना है पानी सूखने तक, ढक्कन लगा के कुछ देर पकाए। इसे बंगाली में कोचू शाक बोलते हैं, और ये बहुत ही बंगाली का टेस्टी रेसिपी है। Thank you.
मखाना को मैंने बॉईल कर लिया है और अब ढक्कन खोल के मैं इसमें, देखिए पानी थोड़ा सा सूख गया है, अब मैं इसमें चना को भी दे दूंगी। अब इसमें मैं स्वाद अनुसार सॉल्ट, पूरा पानी सूखना है तभी टेस्ट होगा। चार पांच में हरी मिर्च भी ऐड करूंगी इसमें। तीखा अपना अंदाजा से और थोड़े 10 मिनट तक ढककर पकाइए। पकाने के बाद देखिए इस तरह से सूखा सूखा हो गया है और अब मैं जो ग्रेटेड किया हुआ नारियल है वो डालूंगी और थोड़ा सा शुगर। पानी सूख गया है, देखिए ये बन के रेडी हो गया है अरबी डंठल की साग, जिसे कहते हैं बंगाली में कचू साग। आई होप आप लोगों को ये रेसिपी पसंद आया है। अगर पसंद आया है तो लाइक शेयर करना मत भूलिएगा और अगर मेरे चैनल में आप लोग नए हैं तो सब्सक्राइब जरूर कीजिए और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा ये रेसिपी आप लोगों को कैसा लगा है। थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियो।